बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइक्रेशन। आज मैं आपको बहुत प्यारी सी एक फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये लेस लिए और ये फैब्रिक लिया है। ये मैंने लिया है घघरी के लिए, मैंने पहले से निकाल लिया इसकी लेंथ और वेथ। ये पैनल कटिंग करूँगी इसके, ये मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। इसकी मैंने लेंथ लेनी है 24 इंच मैंने लेंथ लेनी है और विड्थ लेनी है 19 इंच। विड्थ लेने के बाद मुझे ये ऊपर की साइड से लेना है, 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और 4 इंच पर मैं इस साइड से निशान लगाऊंगी और फिर मैं इसे इस तरीके से ऐसे तिरछा रख लूँगी। इस तरीके से रखने के बाद मैं इसे ऐसे कट कर दूँगी। ये मैंने कट कर लिया। ये इस तरीके से रखने के बाद मैंने इसे हल्की सी कटिंग करनी है इस साइड से। ये हो गई है घघरी। ये बिल्कुल दरमियान की और ये साइड की, इसे भी मैं कट कर देती हूँ साइड से। ये देखिए, ये 4 पैनल हैं, A1, 2, 3 और ये 4। और ये है 1 और ये 2, ये दरमियान के और ये साइड के। ये साइड की और ये दरमियान की। अब मैं आपको इसी तरीके से सेम इसी साइज की मैंने पेटी साइड की लेनी है और इसी तरीके से दरमियान की मुझे 4 इंच की ही लेनी है। अब मैं आपको इसमें से पेटी की कटिंग कर दिखाऊंगी। मैंने लेंथ लेनी है पेटी की 12 इंच। लेंथ लेने के बाद मुझे ऊपर से लेना है ये 8 इंच और 1 इंच मुझे लेना बैक पीस की पट्टी, जो मैं पीछे से बटन पट्टी बनाऊंगी या जिप लगाऊंगी, 9 इंच। ये मैंने लिए हैं बैक पीस। और इस अब मैं लूँ, ये मैंने बैक पीस लिए और अब इसमें से मैं लूँगी फ्रंट। लूंगी मैं 8 इंच की विर्थ। ये मैंने 9 इंच विर्थ ली है, ये देखिए, ये मैंने 9 इंच की विर्थ ली है। अब लूंगी मैं 8 इंच की विर्थ, 8 इंच।
इसे अलग कर लेती हूँ। अब मैं आपको इसकी डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। शोल्डर लूंगी 5 इंच शोल्डर लूंगी और 5 इंच आर्म होल की लेंथ लूंगी। और अभी से मैं आपको किस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन करना है, पेटी को लेना है मैंने गोल कर ली, यानी सेम इतना ही पीस लेना है मैंने, 4 इंच दरमियान से लेना है, 4 इंच दरमियान से लेकर मुझे ऊपर से भी 4 इंच ही लेना है। आपको शायद निशान नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको इस तरीके से निशान लगाकर दिखाती हूँ आपको। दरमियान में से मुझे लेना है 4 इंच। ये बैक और फ्रंट दोनों की मैं कटिंग करने लगी हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने स्टिचिंग के लिए रखना है और जो मैंने लेंथ लेनी है इसकी 5 इंच। ये स्टिचिंग के लिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। स्टिचिंग के लिए फालतू जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो स्टिचिंग के लिए। अब ये मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से इनको स्टिच करूँगी। ये दरमियान वाली पेटी को दरमियान वाली कली में स्टिच करूँगी और ये जो साइड वाली कली है ये बैक पीस की पट्टी है और ये इस साइड से इस तरीके से स्टिच करूँगी। और इसमें मैं लगाऊंगी ये चिकन की जो लेस है इसका सीधा उल्टा होता है, ये मैं इस तरीके से लगाऊंगी। प्लीज शोर को इग्नोर कीजिएगा, ये इस तरीके से ये लैस लग जाएगी और ये बहुत प्यारी फ्रॉक लगेगी। अब मैं आपको स्लीव्स की भी कटिंग कर दिखाती हूँ और इस पर अगर मैं मज़ीद और डिज़ाइन करना चाहूँ तो मैं मज़ीद और डिज़ाइन कर भी आपको दिखा रही हूँ। नेक का साइज लूंगी मैं 4 इंच और ऐसे भी मैं 4 इंच ही लूंगी, बिल्कुल राउंड शेप में निशान लगाऊंगी 4 इंच पर। और ये मैं बारीक जो नेट होती है उससे इसे डिजाइन करूंगी।
देखेंगे नेट, इस नेट को मैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगी, इसी में नेक का निशान लगाऊंगी 2 इंच पर और लेंथ लूंगी 2 इंच। ऐसे लग जाएगी, ये भी बहुत प्यारी लगेगी। इसकी अब मैं स्लीव्स की कटिंग करके दिखाती हूँ। मैं स्लीव्स लूंगी फुल स्लीव्स लेंगे मुझे। स्लीव्स की लेंथ लूंगी 18 इंच और इसकी विड्थ लूंगी 7 इंच। आर्म होल की कटिंग कर देती हूँ, दरमियान का निशान लगाऊंगी। हल्की सी दरमियान से कटिंग भी कर देती हूँ। ये फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब मैं आपको स्टिचिंग के बाद दिखाती हूँ कि आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। देखें स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। मुकम्मल होने के बाद देखें आपको ये मैंने नेट लगाई है और ये पाइपिंग और ये लेस इस तरीके से लगाई है। और ये मैंने कटिंग में आपको स्टेप नहीं दिखाए थे लेकिन मैंने स्टेप लगाए हैं ये बैक पीस पर फिटिंग के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। ये बहुत प्यारी फिटिंग वाली ये फ्रॉक बनी है। और ये स्लीव्स में भी मैंने आपको बताना रह गया था कि ये मैंने प्लेट डालनी थी, बॉक्स प्लेट स्लीव्स में। ये देखें ये दोनों स्लीव्स में मैंने एक एक प्लेट डाली है। और ये साइडों में चिकन लेस लगाई है और ये फ्रॉक के लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें प्लीज़। और फिर अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ये वीडियो कैसी बनी, ये फ्रॉक इस वीडियो की आप ज़रूर ट्राई करें प्लीज़। ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश फ्रॉक बनी है। ईद के लिए भी आप अपनी बेबी के लिए ट्राई करें, ज़रूर बनाएं।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, बेल आइकन भी ज़रूर टच करें। बेल आइकन टच करने की वजह से आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी डिज़ाइन से भरपूर वीडियो लाती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।